करनाल के जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चार दिन का एक अभियान कोरोना टीकाकरण उत्सव चलाया गया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई और अपने आप को सुरक्षित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हर जगह बड़ी तेजी से कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमें अपने आप को व अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करना है। कोरोना को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और दो गज की दूरी रखना अति आवश्यक है। वहीं सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 2,79,836 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जबकि इनमें से 2,68,821 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 18,431 मामले पॉजिटिव हैं। 188 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, 2,590 एक्टिव केस हैं तथा 15,653 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। जिले में बीते वीरवार को 370 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं और 281 मरीज ठीक होकर चले गए हैं। उन्होंने एक जिले से नागरिकों जिले में बीते वीरवार को 370 नए केस पॉजिटिव पाए गए और 281 मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकले, मास्क का नियमित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने आप को निरंतर सैनिटाइज करते रहें। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के दृष्टिगत प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू जो है वो भी इनमें से एक स्टेप है, जिससे कि सभी को ये ध्यान में रहे कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इसको ये अवेयरनेस भी बढ़ेगा और उसके पालना भी की जाए। जो कैजुअल गैदरिंग्स शाम को होती हैं या और फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंद लगे, क्योंकि वही जो है स्प्रेडर की तरह एक्ट करते हैं। तो मैं पुनः अनुरोध करूँगा, कृपया सभी जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं उनकी पालना करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और प्रॉपर तरीके से नाक और मुंह ढक के करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। 2000 लोगों को चार दिन में टीका किया गया है और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स रहा है पूरे करनाल जिले में। हम आगे भी जो है लगभग 100 केंद्रों पर डेली वैक्सीनेशन करते रहेंगे और मैं अनुरोध करना चाहूँगा 45 एंड अबव जितनी पॉपुलेशन है कि वो जल्द से जल्द ये टीकाकरण अपना करवाएं, क्योंकि यही एक वेपन है जिससे हम कोविड से लड़ सकते हैं। सर, कितने के अंदर इसमें बनाए गए थे हम? ये वो डेली डिफरेंट होते थे, मैक्सिमम हमने 151 केंद्रों पर भी कल वैक्सीनेशन करी। जी सर, थैंक यू। लगातार कुछ दिनों से केसेस की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, आज की सुबह से अभी तक 370 केसेस जो है अभी जिसकी हमने लाइन लिस्टिंग करी है और अभी फाइनल रिपोर्ट बनानी है और उसके अतिरिक्त टोटल 2,500 केसेस जो हैं एक्टिव, कल शाम तक एक्टिव केसेस थे। बहुत चिंता का विषय है, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा सभी को कि इस खतरे को ध्यान में रखें, बहुत ही सावधानी की बरतने की इस वक्त ज़रूरत है। घर में से बाहर तभी निकलें कि बहुत ज़रूरत हो और निकलें भी तो नाक और मुंह प्रॉपर मास्क से ढक के बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके रखें, हैंड वॉशिंग लगातार करते रहें और इसके अतिरिक्त जितनी भी पॉपुलेशन हमारी 45 ईयर अनुभव है वो तुरंत जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएँ। इस भीषण बीमारी से बचने का एक ही वेपन हमारे पास है, वो है वैक्सीनेशन। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और इसी अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के साथ ही हम किसी न किसी इस खतरे से लड़ सकते हैं और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए केवल यही एक साधन है। सर, बात करें ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।